और योर कैसे हैं सर? तो हमने पिछले पार्ट में इतिहास में आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पूरे विस्तार से ख़त्म कर चुके हैं और उसका एक रिवीजन पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि रिवीजन पार्ट में हमने हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं उसको उसमें प्रयास करा है, उसको टच करने का, उसको अभ्यास करने का। तो रिवीजन क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम शुरू करते हैं, अगला सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यह इराक में है। कहाँ में है? तो यह इराक में सभ्यता है और यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता। और सबसे पुरानी सभ्यता होने के साथ साथ यह सभ्यता जो है वह क्या है? ग्रामीण है। यह सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता होने के साथ साथ इसका विस्तार जो है ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं रहा, लेकिन इसका अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो इसका समय की बात करते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व समय से इसका अस्तित्व देखने को मिलता है, जो कि इसका विस्तार जो है इराक के क्षेत्रों में देखने को मिला। और मुख्यतः इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार रहा वो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच रहा। टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसको दजला या फरात नदी भी कहा जाता है, तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ हम बात करें तो इसका विस्तार किस प्रमुख शहरों में रहा, तो इसका चार इसमें सभ्यताएं आती है, जिसमें आता है सीरिया की सभ्यता, उसके बाद आता है दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, उसके साथ साथ अगर बात करें तीसरा सुमेरियन की सभ्यता, और उसके साथ चौथा जो आता है वो है कैलिड्रिया की सभ्यता। तो इस प्रकार से यहाँ पे चार इसके समय के देखने को मिलता है। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो रहा वो बेबीलोन की सभ्यता, जिसमें अगर बात करते हैं तो इस पे सिकंदर ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। सिकंदर यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था आगे के समय में। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रमुख चीज मिलता है, झूलता हुआ बगीचा। तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ पे है? झूलता हुआ बगीचा जो है वो कहाँ है? बेबीलोन में। और बेबीलोन में ही जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था, और भारत पे आक्रमण करने के पश्चात, जो कि 323 ईसा पूर्व में यहाँ पे आक्रमण किया, और इसके पश्चात जब वो वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय ही जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर को और उसके घोड़े को, जो कि उससे बहुत प्रिय था, उस दोनों को जो है यहीं पे दफना दिया जाता है बेबीलोन में। तो यहाँ से एक हासिल आ सकता है, एक प्रश्न आ सकता है कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ में है? तो बेबीलोन में है। दूसरा, सिकंदर का मकबरा या फिर उसके घोड़े का मकबरा कहाँ में है? तो बेबीलोन में है। और इस प्रकार से सुमेरियन की सभ्यता, कैलिड्रिया की सभ्यता, इस प्रकार से जो है पूरा विस्तार ये सबका देखने को मिलता है। इस प्रकार से चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें यहाँ पे सीरिया की सभ्यता, उसके साथ साथ यहाँ पे बेबीलोन की सभ्यता हो गया, यहाँ पे सुमेरियन की सभ्यता हो गया, और यहाँ पे कैलिड्रिया की सभ्यता हो गई। तो इस प्रकार से चार भागों में सभ्यता बटा हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सीरिया, बेबीलोन, सुमेरियन और कैलिड्रिया की सभ्यता। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता होने के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका समय काल जो है सबसे पुराना है, सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व इसकी समय काल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया कुछ खास खासियत नहीं है। और यहाँ पे जो मंदिर हुआ होता था इस सभ्यता में, जो मंदिर बनते थे उसको जिगुरत कहा जाता था। मंदिर जो होते थे उसको जिगुरत कहा जाता था। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का विस्तार और इसकी खासियतों के बारे में हमने देखा। अगला सभ्यता जो है उसको देखते हैं, जो है हमारा मिस्र की सभ्यता। तो इस प्रकार से हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगला हमारे पास है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो यह स्थित है मिस्र में, मिस्र से ही पता चल रहा है, जो कि जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। तो मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र के जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे यह सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि आज अगर बात करें तो 3100 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का समय है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता की अगर बात करें तो इसका जो विकास करवाया वो करवाया था फिरौन के समय में, इसका विकास हुआ था फिरौन के समय में, इसका विकास हुआ। और इस समय की सबसे पहले अगर सिर्फ इसका विकास का सबसे मेन रीजन अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे मेन रीजन जो है वह है नील नदी।
यानी कि नील नदी का इसको देन भी कहा जाता है। अगर नील नहीं नदी नहीं होता तो इस सभ्यता का विकास भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है। तो यहाँ पे नील नदी जो कि सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है, उस नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ वो है मिस्र की सभ्यता। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का जो है देन किस सभ्यता को कहा जाता है, तो है मिस्र की सभ्यता, या फिर नील नदी का देन किस सभ्यता को कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता, या मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे। और इसका विकास किसके समय में हुआ था, तो फिरौन के समय में इसका विकास हुआ। इस समय क्या क्या प्रमुख रूप से मिला है, तो इस समय की अगर बात करें तो पिरामिड मिला है, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर मिला है, और इस समय जो है मम्मी भी मिला है। मम्मी जो कि मृतकों को एक खास पदार्थ के साथ उसको जो है बांधकर उसको जो है एक ताबूत में रखकर उसको रख दिया जाता था, मम्मी बनाकर ऐसे ही भी खड़ा करके रख दिया जाता था, जिसको वहाँ के जो है पिरामिडों में देखने को मिला है। और यहाँ का सबसे प्रमुख जो पिरामिड मिला है वो है गीजा का पिरामिड, जिसका रहस्य आज भी नहीं जाना जा चुका है। इस पे पहले कई वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च करने का प्रयास भी किया, इसको जानने का प्रयास किया, लेकिन उस समय उस कुछ समय बाद जो है यहाँ की सरकार, मिस्र की सरकार ने इस पे रोक लगा दी, ताकि यहाँ के अंदर कुछ इसको बिगाड़ा नहीं जा सके, और फिर कुछ ऐसी बातें ना हो जिससे उस देश को नुकसान हो। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोतों के संरक्षण के लिए यहाँ पे सरकार ने इस पिरामिडों को अंदर जाने पे जो है अब रोक लगा दिया। यहाँ तक कि इस पिरामिड में कई बार वैज्ञानिकों ने अंदर जाने का प्रयास किया, और कई मोटे मोटे दीवारें होने के कारण यहाँ पे पिरामिड के अंदर जो है, पिरामिड जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जो कि वहाँ पे जो पिरामिड बनाया गया है, पिरामिड जो बनाया गया है वो बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है। और इस पिरामिड का जो पत्थर मिला है बहुत दूर से, यानी कि उस एरिया के नहीं है, बहुत दूर से। तो ये सोचने का बहुत विषय है कि उस समय कहाँ से लोग जो है उतना बड़े बड़े पत्थर को लाए, उस समय उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी, जो कि 3100 ईसा पूर्व की बात है, और बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लाकर यहाँ पे जो है इसको जो है पिरामिड को बनाया गया है। तो इस पिरामिड को आखिर उस समय कहाँ से पत्थर लाए गए, क्या व्यवस्था था, इसको इस पे वैज्ञानिकों अभी तक इस पे रिसर्च जारी है, लेकिन इसके अंदर पिरामिड के अंदर जाने पे जो है अब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके प्रमुख 3 पिरामिड अभी बच रहे हैं, जिसमें से बाकी पिरामिड भी वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य के रूप में देखने को मिलते हैं। कहाँ में, तो इराक में, जो है मिस्र में जो है अभी भी जो है बहुत सारे पिरामिड साक्ष्य के रूप में वहाँ पे बहुत सारे, आज भी बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए देखने के लिए जाते हैं। पहले जो कि अंदर तक वैज्ञानिक उसको रिसर्च करने का प्रयास किया, उसके बाद इसको प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार से इसकी खासियत देखने को मिलता है, और इस प्रकार से मिस्र की सभ्यता जो कि 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और ईसा पूर्व के समय का है, इसका विकास जो है फिरौन के समय में किया गया, और नील नदी का देन कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में बसा हुआ है मिस्र के, और रेगिस्तान एरिया में जो इसका प्रमुख उसका प्राण का काम जो करता है, प्राण देने का काम करता है, वो नील नदी काम करता है। और इसमें जो है सबसे प्रमुख पिरामिडों में अगर बात करें तो है गीजा का पिरामिड, जो कि सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख है। और यहाँ पे पिरामिड में जो है सूर्य का कैलेंडर भी यहाँ से मिला है, और मम्मी भी मिला है, जो कि उस प्रकार के समय के अनुसार बनाए जाते थे, जो कि आज भी इसका साक्ष्य उपलब्ध है। और बहुत ही अजूबा चीज से यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे मिस्र के सभ्यता के, उन लोगों का रसायन शास्त्र मौजूद था। तब तो इतने बड़े बड़े पत्थरों का एक पिरामिड बना दिए, उसके साथ साथ मम्मी को इस प्रकार से बनाया जाता कि बहुत सालों तक, हजारों सालों तक उसका कुछ उस पर असर नहीं पड़ता था, उसको इस खास पदार्थों से उसको जो है बनाया जाता था। तो इस प्रकार से इसकी खासियतों को देखने को मिलता है। तो इस पाठ के लिए इतना ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अगले पार्ट में हम अगले बातों को देखने का प्रयास करेंगे, इतिहास के अगले पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें, उसको सुलझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।